शहर थाना क्षेत्र के शिवाजी रोड स्थित महावीर कॉलोनी में आज सुबह अहले सुबह एक बिल्डिंग में आग लग गई। बिल्डिंग के सबसे बेसमेंट में मनिहारी सामानों का गोदाम था और उसी गोदाम में आग लगा है। आपको बता दें कि यह गोदाम में रखे लगभग 10 लाख रुपए की संपत्ति जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई है। सुबह भोर में 3 बजे यह हादसा हुआ। सबसे पहले मकान मालिक को इसकी भनक लगी जब कमरे से धुआं उठने लगा। तत्काल इसकी सूचना गोदाम के मालिक जो सुनील गोस्वामी हैं उनको दी गई। सुनील गोस्वामी और उनका परिवार जब पूरा आकर कमरे को खोला तो सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। गोस्वामी ने जानकारी दी कि उनका जो दुकान है वो घड़ापट्टी में है और लॉकडाउन की वजह से दुकान अभी बंद है, इसीलिए जो दुकान का जो माल है वो कल शाम में भी गोदाम में लाया गया था और सामान को व्यवस्थित करके ताला बंद करके लोग गए थे और सुबह में ऐसी सूचना मिली। इस सूचना के बाद वे काफ़ी मर्माहत हैं और उन्होंने बताया कि उनकी जो पूरी संपत्ति थी 10 लाख रुपया का नुकसान हुआ है और सारा सामान जलकर खाक हो गया है। बाद में सूचना इसकी फायर ब्रिगेड को भी दी गई और तत्काल दमकल की गाड़ियां पहुंची और 2 घंटे की मशक्कत के बाद हालांकि आग पर काबू पा लिया गया। बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में आग नहीं पकड़ी लेकिन जो बेसमेंट का हिस्सा था जहां आग भयानक तरीके से लगी थी और इस आग लगी की घटना में सारा सामान जलकर बर्बाद हो गया।